चारोली गायब है और लाखों की संख्या में पेपर पहुंचा है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे चिंतित हैं, लेवल फर्स्ट के जो अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट आने वाला है, जिनके 132-135 नंबर है, वो जानना चाह रहे हैं कि डेटा ओपन किया जाए। ऐसा नहीं हम रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और वही जो फर्जी लोग पास हो जाए, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि 1,23,000 लोगों के पास 140 से ज्यादा नंबर आ गए लेवल फर्स्ट और सेकंड के। तो डेटा सार्वजनिक करना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिव को हमने ज्ञापन सौंपा है, लेवल फर्स्ट और सेकंड का डेटा सार्वजनिक किया जाए कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं, जिससे पढ़ने वाले बेरोजगार जो चिंता है उनकी समस्या दूर हो सके, कि सबको पता चलना चाहिए कि पेपर कहाँ कहाँ तक पूछा है। इसके अलावा सीबीआई की जांच की हम लगातार मांग कर रहे हैं, रीट की सीबीआई की जांच देनी चाहिए, दूध का दूध और पानी पानी होना चाहिए और दिव्य जारिल को गिरफ्तार करके पूछना चाहिए कि संरक्षण किसका प्राप्त है, क्योंकि सीबीआई की जांच की आज नहीं तो कल सीबीआई को जांच देनी पड़ेगी। ये तो निश्चित है सीबीआई की जांच तो भी बड़े राजनेता जो संरक्षण दे रहे हैं वो भी जेल में होंगे, लेकिन सवाल आज इस बात का है कि डेटा सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे। तो इसलिए आज हम सांकेतिक प्रदर्शन किया है और ज्ञापन भी सौंपा है। उन्होंने कहा है कि वो सरकार से इस संबंध में अनुमति ले रहे हैं और जल्द ही बड़ा फैसला लेकर सार्वजनिक करने की बात कही है।